हरिओम पिलामाने, रक्षाबंधनर तुममानकु बहुत बहुत अभिनंदन। रक्षाबंधन दिन भौणी माने शुभ संकल्प करी निज निज भाई मानंक हातरे राखी बांधिबे, आउ भाई माने मध्य निज भौणीक रक्षार शुभ संकल्प करिबे। भाई भौणीर एहि पवित्र संपर्ककु मजबूत आउ प्रेमर आधार देइथाय ए रक्षाबंधन पर्व। श्रावणी पूर्णिमा को पालन करा जाउथुबा रक्षाबंधन महोत्सव भाई भौणीक मध्यरे शुभ संकल्प आदान प्रदान रो मने पकाई दिए। एही दिन भौणी भाईर हातरे रेशमर सूता बांधि थाए तथा तार लंबा आयुष आउ सुरक्षार कामना करिथाए। भौणीर एही पवित्र स्नेहरे बांधि होई भाई मध्य तार रक्षार संकल्प नेइथाए। पिलामाने, आजि आमे भी बाल संस्कार केन्द्र रे रक्षाबंधनर पर्व पालन करिबा आउ एहार महत्व मध्य जानिबा। त चालो आरंभ करिबा आजिर बाल संस्कार केन्द्र। आसंतु करिबा संस्कृत श्लोकर पाठ। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वम् अभिवद्नामि रक्षेमाचल माचल। अर्थ, जेऊं पतला रक्षा सूत्र महाशक्तिशाली असुर राजा बळी को बांधि देइथिला सेथिरे मु आपणंकु बांधुची, आपणंकर रक्षा हेउ। एही सूता न छिंडु आउ आपण सुरक्षित रुहंतु। एही संकल्प भौणी भाई को राखी बांधिबा समय रे करंतु। शिष्य गुरुंकु रक्षा सूत्र बांधिबा समय रे अभि बदनामी रो स्थान रे रक्षा बदनामी कहिबे। सर्वरोगोपशमनम सर्वशुभाविनाशनम शत्रुकृत्वे नादमेकम येन रक्षा कृता भवेत्। अर्थ, रक्षाबंधन पर्व रे धारण करा जायथिबा रक्षा सूत्र संपूर्ण रोग तथा अशुभ कार्यर विनाशक अटे। एहाकु वर्षरे थरे धारण करिबा द्वारा वर्ष सारा मनुष्य सुरक्षित होइथाय। भविष्य पुराण। सर्वप्रथमे पिलामाने सम्मानित बापूजीक सी चित्रक आगरे प्रणाम करंतु। जेतेबेले सेमाने प्रणाम करिबे सेतेबेले सेमाने अनुभव करिबे जे पूज्य बापूजी आम मध्यरे अछंती एवं व्यासपीठरे विराजमान करिछंती। प्रथमे आमे आमर पंजा द्वारा डेइबा। एही डेइबा द्वारा आमर उभय स्वर सूर्य एवं चंद्र समान भावरे गति करिबा आरंभ करिबे, जहाँ मध्यम नाड़ी सुषुम्ना द्वारा खोलिबारे सहाय्य करे एवं डेइबा द्वारा अलस्वामी एवं निद मध्य दूर हुए। तेणु पिलामाने चलो ठिया हेबा एवं डेइबा आरंभ करिबा। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଉଭୟ ହାତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଓମକାରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଓମ୍ ଜପ କରି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଏ। ଏହାକୁ 7 ଥର ଜପ କରି ଶରୀରର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ମନରୁ ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁନିଋଷିମାନେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ର ମହାନତା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓମକାରର ଗୁଞ୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହରି Thank you.
हरि वर्तमान पिलामाने भूमध्यरे तिलक किंबा हातर तृतीय आंगुठीरे भूमध्यकु घसिबा बेले ओम गम गणपतये नमः तापरे हात जोडिकी ओम श्री सरस्वतये नमः तापरे ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सद्गुरु जिए ब्रह्मस्वरूप अच्युत अविनाशी अटंती समस्त बुद्धिर साक्षी सत्व रज एवं तम गुणर रहित अटंती एहिपरि श्री सद्गुरुदेव को आम प्रार्थना करिबा। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଏବେ କରିବା ଟଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ। ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ବେକକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ କର ଏବଂ ମନ ଭିତରେ କଣ୍ଠରେ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବା। ପୁଣି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ବେକକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ କର ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ସର୍ବରୋଗୋପଶମନମ୍ ସର୍ବାଶୁଭାବିନାଶନମ୍ ସକୃତୈନାଦମେକମ୍ येन रक्षा कृता भवेत्। अर्थ रक्षाबंधन पर्व धारण कराइथिबा रक्षा सूत्र संपूर्ण रोग तथा अशुभ कार्यर विनाशक अटे। यहाँ वर्षरे थरे धारण करिबा द्वारा वर्ष सारा मनुष्य सुरक्षित होइथाय। वर्तमान आम त्राटक करिबा। त्राटक एकाग्रता बढ़ाइबा पाइ त्राटक बहुत साहाज्य करे। त्राटकर अर्थ हेउची ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ତ୍ରାଟକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ତୁଟିବନି। ਗੁਰੂ।
ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏନ ବଦ୍ଧୋ ବଲି ରାଜା दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अभिवदनामि रक्षे मा चल मा चल। आपणक विचार शक्ति जस कीर्ति अज तेज और भक्ति बहुत बहुत बढ़ू। आपण तेजस्वी अजस्वी ଅବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତେଜମୟ ହେଉ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ମାନବ ଜନ୍ମର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସାକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହ। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सत्य व्रत राम भरोसा एक। जब आए हम जगत में जग हसा हम रोये ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए। असंत सुनिबा एक सुंदर कहानी राखी रु रक्षा। रक्षाबंधन महोत्सव अर्थात भाई भौणी का प्रेमर प्रतीक पर्व। यह एक सुंदर ऐतिहासिक प्रसंग। सम्राट सिकंदर जेतेबेले जयलाभ करी पुरुंक राज्यरे पहुंचिला तथा पुरुंक राज्य व्यवस्था ओ सेनार मनोबल विषय रे निज गुप्तचरंक ठारु सुनिला से मुंड कुंडाइबाकु लागिला। कौनसी एक गुप्तचर कहिला पुरुंक राज्य तो छोट अटे किंतु एहा सह शत्रुता करिबा मृत्युर मुहंकु जीवा सह समान। निपुण गुप्तचर मध्यरु जणे कहिला राजा साहेब हिंदू मानंकर गोटे एमिती पर्व अछि जे सही दिन कौनसी भी स्त्री कौनसी पुरुष को राखी बांधि देले से तार भाई होइ जाए। एहा द्वारा तार स्वामीर रक्षा आराम रे होइ जाए। सिकंदरर स्त्री एसबु सुनुथिला। पुरु घोषणा करथिले जे रक्षाबंधन दिन नगरर कन्या माने बिना बाधारे राजमहल को आसी परिबे एवं निज राजा को राखी बांधि परिबे। रक्षाबंधन दिन महिला मानंक भिडरे एक विदेशी महिला मध्य राजमहल रे तुम्हें कौन चाहो। सिकंदर रो पत्नी कहिला एठाकार संस्कृति अनुसारे नारी काहाकु भाई बोली मने करी राखी बांधिले से तार मनोवांछा पूरण करिथाय। मो सुहागर ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସିକନ୍ଦରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ସୂତା ବାନ୍ଧି କରି କେତେ କଥା ମାଗୁଛି ଆଉ ଏ ଭାରତର ବୀର ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଉଦାର। ପୁରୁ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ବିଜୟ ହେବ ଏହା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ବିଜୟ ହୁଏ ତେବେ ତୁମ ପତିର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁରୁଙ୍କର ହାତୀ ସିକନ୍ଦରକୁ ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରିଲା ଯେ ସିକନ୍ଦର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଖୋଳରୁ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମହୋତ୍ସବର କାହାଣୀ, ପୁରୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ନେଇ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଏତିକିବେଳେ
ସିକନ୍ଦରର ସୈନିକ ଆସିଲେ ଓ ପୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ସିକନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖକୁ ପୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଣାଗଲା। ସିକନ୍ଦର ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି? ପୁରୁ କହିଲେ, ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ସହିତ ଯେପରି ସମ୍ମାନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସେହିପରି ତୁମେ ମୋ ସହ କରିବା ଉଚିତ। ସିକନ୍ଦରର ମନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ। ପୁରୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇଲା। ପୁରୁ ନିଜ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କଲା। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ସିକନ୍ଦର ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ରଥରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତୁମ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା। ମୋର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବା 2 ସେକେଣ୍ଡର କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି କିପରି ଧୋକା ଖାଇଗଲେ? ପୁରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇନି। ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆୟୁ, ତେଜ, ବଳ ଚିରନ୍ତନ ରହୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇବା, ଯେମିତି ଶବରୀ, ଅରୁଣୀ, ଧ୍ରୁବ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ।
ଗୋଟେ ହେଲି। ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧ କେ ବେହନା କରେ ଭାଇ କା ବନ୍ଧନ ବହନ ଭାଇ କେ ବୀଚ କା ପ୍ରେମ ଜଗ କର୍ତ୍ତା ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ କୁହ ତ ଏହା କେଉଁ ପର୍ବ? କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆସ ବାନ୍ଧିବା ଗୁରୁବରଙ୍କୁ ରଖି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ଦିନ। ଏହି ପର୍ବରେ ଶୁଭ ଭାବର ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାନସ ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। ଏସି ଭାବନା କରେ ହମ ଉନକେ ପାସ୍ ଯା ରହେ ହେଁ ଜିନକେ ପାସ୍ ଜାନେ ସେ ହମାରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୁଲନେ ଲଗ ଜାତେ ହେଁ ମନକେ मलिन विचार मिट जाते हैं। गहरी शांति। हम उनके पास जा रहे हैं जो अपार करुणा के सागर हैं, जो सबको आनंदित करते हैं, जो हमारी सोई हुई समस्त शक्तियों को जगा देते हैं। हम सभी बच्चे अब वहां पहुंच गए जहां गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव की मधुमय दृष्टि हम पर पड़ी, वो पावन दृष्टि, मंगलमय दृष्टि। हम सभी अपना धीरज खो बैठते हैं और जाकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, बड़ा समय हो गया आपके दर्शन नहीं हुए। गुरुदेव, हमें अपने चरणों में रहने दो। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें माफ कर दो। हम सदाचारी बने ऐसी हमें शक्ति दो। हमें आपके चरणों में रहने दो। अब हम गुरुदेव का मानस पूजन आरंभ करते हैं। हमारे पास कलश है जिसमें गंगा जल है। पवित्र गंगा जल से हम गुरुदेव के श्री चरणों को पखार रहे हैं। श्री चरणों का स्पर्श करते करते हम गदगद हो रहे हैं और पूज्य गुरुदेव भी हमको प्रेम से निहार रहे हैं। कभी कभी हमारे सर पर अपना करुणा में हस्त कमल फेर रहे हैं। अब हम स्वच्छ वस्त्र से गुरुदेव के श्री चरणों को पोछ रहे हैं। आज बापू जी ने हमें यह अवसर प्रदान कर हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बना दिया है। अब गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर हम पवित्र सुगंधित केसर चंदन का तिलक कर रहे हैं, जैसे बापू जी दादा गुरुदेव को दो मोगरा का हार पहनाते हैं। ऐसे ही हमने भी पूज्य बापू जी को मोगरा का हार पहनाया। हमारे मन में बड़ा संतोष हो रहा है कि आज हम पूज्य श्री का पूजन कर रहे हैं। हार पहनाकर हम दो कदम पीछे गए और गुरुदेव का वो मन भावन रूप देखकर निहाल हो गए। समस्त देवी देवताओं के दर्शन गुरुदेव में हो रहे हैं। गुरुदेव का पूजन करते करते हमारे समस्त दुख दर्द निर्मूल हो गए। अब हम गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु। हम बालक तेरे द्वार पे आए,
निज कृपा बरसाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु। अब हम गुरुदेव को माखन मिश्री का मधुर भोग लगा रहे हैं। हमें असीम आनंद का एहसास हो रहा है। मधुमय अनुभूतियां हो रही हैं। बापूजी के कर कमलों से अब हम प्रसादी पा रहे हैं। उनके श्री चरणामृत का पान कर रहे हैं। उनका आशीष पा रहे हैं। समस्तंकु संकल्प करांतु कि आमर पूज्य बापूजी सुस्थ रुहंतु, आमर गुरुदेव दीर्घायु हुंतु, चिरंजीवी हुंतु। ओम ओम ओम। तापरे समस्त पिलामाने पूज्य बापूजीक श्री विग्रह रे राखी बांधंतु। साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी, सदगुरु आएंगे। साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी, सदगुरु आएंगे। हम सबकी लगी है प्रीत की डोरी, सदगुरु सहज में सुनाते हैं गुरुवर, सबको सहज में सुनाते हैं गुरुवर। नाम की दौलत मोक्ष की कुंजी, नाम की दौलत मोक्ष की कुंजी। हम सबको दे देते हैं गुरुवर, हम सब सबको संभाले, सबसे निराले सबको संभाले। हम सबके रखवारे हैं, मेरे सदगुरु है इतने महान, जो रखते हैं सबका ध्यान। मेरे सदगुरु है इतने महान, जो पूज्य गुरुदेवंकर उत्तम स्वास्थ्य निमन्ते धर्मराज मंत्रर जप। समस्ते एही मंत्रर जप करंतु। ॐ अस्य श्री धर्मराज मंत्रस्य ॐ
नमः श्री धर्मराज मंत्रस्य वामदेव ऋषि वामदेव ऋषि गायत्री छंदः गायत्री छंदः शमनः देवता अस्माकं सद्गुरुदेवस्य संत श्री आशाराम जी महाराजस्य उत्तम स्वास्थ्यर्थे सकल आपद विनाशनार्थे च जपे विनियोगः। ॐ क्रौं ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः समस्ते एबे किछि समय शांत ही बसंतु आसंतु देखिबा बाल संस्कार केन्द्रर छोट विद्यार्थी द्वारा गुरु माता पिता भजनर सुंदर संरचना हरिओम मु आपण मानको भजन सुनाबाकु जाउछि गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे सत्यम शिवम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही आराधना मेरे सत्यम शिवम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे
कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। उन्नतिर उड़ाण ओज बल ज्ञान साहस धैर्यर चिंताधारा तुम भितरे पोषित हेउ उछुली उठु एपरी भजन एपरी दोहा रटन करिबा उचित एपरी चित्र देखिबा उचित जहाद्वारा विकार आसुथिले शांत होइजिव एहा नुहे जे एपरी चित्र को देख एपरी पोशाक पिंध जहाद्वारा विकार आसिबाकु लागिव विकार शरीर को नष्ट करि दिए एही समस्त अश्लीलता फैशन विदेशी मानंकर दान भारतीय मानंक ठारे भय पसी जाइछि। भयभीत व्यक्ति सबु निम्न मानर कार्य करिथाय भयभीत व्यक्ति मिछ कहे एवं उचित निर्णय मध्य नेई पारे नाही। जीवन रे जेते जेते भितरु निर्भीकता आसे कार्य रे सेते सेते सफलता मिलिथाय तेणु निर्भीक रहिबा उचित उद्यमी हेबा उचित सम एवं सहनशील हेबा उचित। स्वास्थ्य सुरक्षा मीठा दुकान अर्थात जमदूतर घर मीठार दुकान साक्षात जमदूतर घर एकता स्वामी विवेकानंद कहंती। जेपरी पिठौ आनी करा जाइथिबा इटली दोसा आदि खाइबा पई तो स्वादिष्ट लागिथाय किंतु स्वास्थ्य पई अत्यंत हानिकारक होइथाय सेही प्रकार मैदा एवं खीर को छिड़ाई प्रस्तुत पनीर रु तैयारी होइथिबा मिठा गुड़िक मिठा तो लागिथाय किंतु होइथाय विष सह समान। मिठा खाइबा द्वारा लिभर ओ अंतनळी रे भयंकर असाध्य रोग होइथाय अतः एपरी मिठा थारु तुमे माने निजकु बंचाओ ओ अन्यमानकु मध्य बंचाओ। गृहकार्य रक्षाबंधन दिन समस्ते निजर इष्ट देव किंबा गुरुदेवंकु राखी बांधन्तु तथा सेही दिन सारा वर्ष पई किछि ना किछि शुभ संकल्प करंतु। निजर नोटबुक रे रक्षाबंधन पर्वर महिमा मध्य लेखंतु। पूज्य बापूजीक अमृतमय सत्संग सुनिबा पई तळे डिस्क्रिप्शन रे दिया जायथिबा लिंक रे क्लिक करंतु एवं बापूजीक अमृतमय पचनर लाभ नियंतु। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तिमुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दुर्जन सज्जन हुवन्तु सज्जन मानंकु शांति प्राप्त हेउ एवं शांतात्मा निज मुक्त स्वरूपर अनुभव करंतु तथा मुक्त पुरुष अन्यमानंकु मुक्तिर मार्ग देखान्तु। पिलामाने केमिति लागिला आजिर आमर बाल संस्कार केन्द्रर भिडियो पाठ्यक्रम। आमे माने प्रति सप्ताहरे एही दिन एही समयरे भेटिबा। आपण मानंकु केमिति लागिला आपण माने ईमेल व्हाट्सएप किंबा फोन द्वारा कहिपारिबे। आमर ईमेल आईडी हैला bskamd@gmail.com एवं व्हाट्सएप नंबर 7600325666। आम फोन नंबर हैला 0793987749 किंबा 50 किंबा 51।